Assalamu alaikum everyone and welcome back to CA Latif's Academy. So this is going to be our fifth lecture in our series जिसमें हम cover कर रहे हैं GK for different GK SSB exams. So already हमने चार lectures किए हुए हैं जिनमें हमने sports, popular personalities, first in India और first in world जैसे topics को cover किया हुआ है. तो ये जो topics हैं ये common हैं, some of them are common in all this examinations like GK SSB, sub-inspector, इंस्पेक्टर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट एंड पटवारी, लेकिन कुछ हैं जो कि एक्सक्लूसिवली कुछ ही पोस्ट के सिलेबस में हैं. लाइक ये वाला टॉपिक जो है ये आपके सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स देखोगे स्पोर्ट्स आपके इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, वेटनरी फार्मासिस्ट एंड आई थिंक शायद पटवारी के सिलेबस में भी है. तो इसके लिए आपको अलग अलग प्ले लिस्ट मिल जाएंगी. जीके के लिए चार प्ले लिस्ट हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. तो अगर आप पटवारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो अकॉर्डिंगली. जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो जीके के वो टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे. तो आज की वीडियो में हम इंडिया के एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे. ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है, मे बी इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट मैं आप लोगों के लिए इसको आसान कर दूँ. आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर एटॉमिक एनर्जी किस तरह से डेवलप हुई. मतलब जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करते हैं. वी यूज़ सोलर एनर्जी, वी यूज़ थर्मल एनर्जी जो कि हम कोल या दूसरे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा हम जो बायोगैस है वो भी यूज़ करते हैं. इसके अलावा वी यूज़ विंड एनर्जी. तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल है जिससे हम अपनी एनर्जी नीड को फुलफिल करते हैं. तो जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो कहाँ से आती है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आती है, तो वो भी एक तरह का एनर्जी सोर्स है. या कहीं पे थर्मल पावर प्लांट होता है जहाँ पे कोल जलाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो वहाँ पे एक फॉसिल फ्यूल जो है आपकी एनर्जी नीड को फुलफिल करता है. लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, क्योंकि अगर हम इंडिया में देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी है मोस्ट ऑफ इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग कोल, तो कोल जो है या फॉसिल फ्यूल जो है वो मेजर शेयर लेते हैं इन फुलफिलिंग योर एनर्जी डिमांड्स. तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है इंडिया के अंदर वो फॉसिल फ्यूल से होती है, मेनली फ्रॉम कोल. लेकिन आपको पता ही होगा कि कोल और जो बाकी फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है, तो ये सारे जो हैं ये आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. मतलब एक बार ये खत्म हो गए फिर ये दोबारा से हम इनको जनरेट नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर द अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. हम कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढ रहे हैं जो कि रिन्यूएबल, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी है. तो इस तरह का एक अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम एटॉमिक एनर्जी कहते हैं या जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं. हम एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने घरों में, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो. एटॉमिक एनर्जी के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा अगर आपने एटम बम के बारे में सुना होगा. तो एटम बम जो होता है, एटम बम के अंदर एटॉमिक रिएक्शन होती है, तो यही एटॉमिक एनर्जी से इतना खतरनाक एक बॉम्ब बनता है. वैसे आपने सन के बारे में सुना होगा, तो सन जो है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर अर्थ. जो एनर्जी है ये सारी कहाँ से आती है, सन से आती है. और सन के अंदर ये एनर्जी कहाँ से आती है, वहाँ पे यही एटॉमिक एनर्जी होती है. वहाँ पे कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम देखेंगे एटॉमिक, जिसमें हम देखेंगे न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन. तो उन रिएक्शंस की वजह से वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वही एनर्जी हम तक पहुँचती है. तो वो तो सन में होती है, वो एक नेचुरल चीज़ है जो कि कुदरत ने बनाई है. लेकिन हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसी न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरह से हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में बना सकते हैं, ताकि हम उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकें. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि इंडिया के अंदर ये रिसर्च किस तरह से हुई, किस तरह से हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डेवलप किया और को ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो कि इंडिया यूज कर रहा है, जो कि जिसको इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है अपनी एनर्जी, अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए. एक प्रोग्राम है जो इंडिया ने 1956 में इम्प्लीमेंट किया था, उस प्रोग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे. बिफोर वी गो इनटू द एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, हम सबसे पहले देखेंगे कि एटॉमिक या न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है. सो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, बेसिकली इट्स द एनर्जी इन द न्यूक्लियस. आपने पढ़ा होगा कि एटम्स जो होते हैं, जो हमारा यूनिवर्स है, इट्स मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी. अब यहाँ पे जो मैटर है, मैटर जो होता है वो एटम्स का बना होता है, और एटम्स के बारे में आपने देखा होगा
एटम्स जो होते हैं उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके अराउंड, उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियस ही होता है। यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये बहुत डेंस होते हैं, ये एक दूसरे के साथ हम कह सकते हैं कि चिपके हुए होते हैं। तो इनको कौन सी चीज बाइंड टुगेदर करती है, कौन सी चीज इनको इकट्ठे रखती है इस न्यूक्लियस के अंदर, वो एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। सो द एनर्जी दैट बाइंड्स टुगेदर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज द न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी, वही होती है। और उसी न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी को हम यूज करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब हम इसी न्यूक्लियर एनर्जी को कुछ रिएक्शंस के थ्रू हार्नेस करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं या न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी या न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो जब हम इस न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो उसी को हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं। अब इसको प्रोड्यूस करने के तीन तरीके होते हैं। अब ये जो इसके अंदर है, एटम्स के अंदर है, हमने माना कि एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी को कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम हार्नेस कर सकते हैं, उसके लिए तीन अलग अलग तरह की रिएक्शंस करनी पड़ती है। वन इज फिशन, सेकेंड जो होता है उसे न्यूक्लियर डीके कहते हैं, और थर्ड कुड बी न्यूक्लियर फ्यूजन। तो तीन तरह के रिएक्शन से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। फर्स्ट दैट इज न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब होता है कि एक एटम होता है और उस एटम को क्या करते हैं, उसको ये जो बीच वाली आप देख रहे हो, एक बड़ा एटम होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन जो है, एक फास्ट न्यूट्रॉन उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। एक न्यूट्रॉन जो है वो हिट करता है एक न्यूक्लियस को, और वो न्यूक्लियस जो होता है, वो बड़ा न्यूक्लियस, उसके दो हिस्से हो जाते हैं। तो उसके दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाते हैं और कुछ न्यूट्रॉन जो होते हैं उससे बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक न्यूक्लियस था, उसको हिट किया न्यूट्रॉन ने, तो उसके दो छोटे छोटे न्यूट्रॉन दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बन गए, और साथ में कुछ न्यूट्रॉन जो है वो अलग इससे सेपरेट बाहर निकले। जब ये सेपरेशन होता है, जब इसके दो टुकड़े हो गए, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी। तो फिशन क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस जब एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड करते हैं हम, इसको सेपरेट हो जाता है, तो उस टाइम एक एनर्जी निकलती है, वो ही होती है न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब हम दो छोटे छोटे एटम्स को टुगेदर बाइंड टुगेदर करते हैं, हम उनको जोड़ते हैं, उनको हम बाउंड टुगेदर करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं, फॉर्म वन न्यूक्लियस। और जब ये दोनों मिलके एक ही न्यूक्लियस बनाते हैं तो उस टाइम पे भी एनर्जी निकलती है, तो उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। ड्यूटेरियम क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो हाइड्रोजन के बारे में आपने सुना होगा। हाइड्रोजन में आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, उसको हम प्रोटियम कहते हैं। लेकिन कुछ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ऐसे भी होते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, उसको ड्यूटेरियम कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दो न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक प्रोटॉन होता है, तो टोटल थ्री थ्री हो जाते हैं, तो उसको ट्राइटियम कहते हैं। यहाँ पे एक ड्यूटेरियम एक हाइड्रोजन के आइसोटोप और दूसरे हाइड्रोजन के आइसोटोप के एटम्स को हम एक दूसरे के साथ बाउंड टुगेदर करते हैं, एंड व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म वन सिंगल एटम, वो एक हीलियम एटम बनता है। तो दो हाइड्रोजन एटम से एक हीलियम एटम बनता है और साथ में एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है, और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी भी निकलती है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो ये पहला जो आप फिगर देख रहे हो ऊपर, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, दूसरा न्यूक्लियर फिशन है, और तीसरा है जिसे हम न्यूक्लियर डिके कहते हैं, जिसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है, उससे अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है, और अल्फा पार्टिकल बाहर निकलने से एक दूसरा न्यूक्लियस बनता है, और इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर, उसको हम न्यूक्लियर डिके कहते हैं या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे तीन प्रोसेस से हम न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, जिससे हम आज की डेट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं दूसरे वाले को, जो यहाँ पे आप न्यूक्लियर फिशन देख रहे हो, इस प्रोसेस को यूज करते हैं। मतलब एक न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर बम्बार्ड कर देते हैं हम एक न्यूट्रॉन को, और जब वो न्यूट्रॉन उस पर बम्बार्ड करता है तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं, उसके दो छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं, और साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स भी बाहर निकलते हैं, और वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। तो याद रखोगे आप कि द वैस्ट मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन टूडेज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फिशन। जो इसमें जो एटम्स यूज होते हैं, जो इसमें जो उसको फ्यूल भी कहते हैं, जो एटम्स जो न्यूक्लियस होता है वो किसका होता है, वो ज्यादातर यूरेनियम या प्लूटोनियम का होता है।
इम्पोर्टेंट, आपने सुना होगा कि यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर पावर एनर्जी में यूज होता है। याद रखोगे दैट यूरेनियम एटम्स जो होते हैं उन्हीं या प्लूटोनियम एटम्स जो होते हैं उनको न्यूक्लियर फिशन किया जाता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब न्यूक्लियर डीके की अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियर डीके कुछ ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, लाइक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं या कुछ स्पेस प्रोब्स थे लाइक वी हैड वोएजर 2, उसमें न्यूक्लियर डीके एनर्जी को यूज किया गया था। इसके अलावा अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये अभी रिसर्च का एरिया है, इससे अभी एनर्जी हम उतनी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा फोकस जो है वो न्यूक्लियर फिशन पे रहेगा कि इसी से हम किस तरह से एनर्जी जनरेट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फिशन में हम क्या करते हैं कि एक बड़ा एटम होता है उसके ऊपर एक बम्बार्ड कर देते हैं एक न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक यूरेनियम का एटम है या यूरेनियम का न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ यूरेनियम 92-235, मतलब है कि एटॉमिक नंबर 92 है, मतलब इसमें जो प्रोटॉन्स है वो 92 है और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स टोटल इसमें 235। तो जैसे ही आप इसने इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर दिया तो एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया, तो टोटल न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स 236 हो गए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 92 ही रहेगा जो इसका एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आपने बम्बार्ड किया एक न्यूट्रॉन, तो इससे क्या होगा कि इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक इसमें बैरियम बनता है और एक क्रिप्टॉन बनता है। बैरियम में 56 प्रोटॉन्स होते हैं और क्रिप्टॉन के एटम में 36 प्रोटॉन्स होते हैं। इसके अलावा 144 न्यूट्रॉन्स इसमें जाते हैं, 89 इसमें जाते हैं और 3 जो है वो बाहर चले जाते हैं। और जब ये स्प्लिट हो जाता है तो इस प्रोसेस के दौरान हमें एनर्जी मिलती। आपको ये एटॉमिक नंबर्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखोगे आपकी जब न्यूक्लियर पावर जनरेट किया जाता है तो यूरेनियम एटम जो होता है उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है, उस न्यूट्रॉन से क्या होता है कि उससे उसके दो हिस्से हो जाते हैं और वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। तो वही लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन हिट्स द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम एटम को हिट करता है और उसके दो हिस्से हो जाते हैं, इट स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियस, उसमें वो स्प्लिट हो जाता है और वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और फिशन रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज, एक तो एनर्जी निकलती है और दूसरे यहाँ पे कुछ न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आप भी देखोगे। अब यहाँ पे जो और न्यूट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज हुए, लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 236 न्यूट्रॉन्स थे, 144 इसमें आ गए और 89 इसमें आ गए, तो वो टोटल हो गए 233। जो तीन बचे, तीन जो है वो बाहर चले जाएंगे, मतलब इससे अलग होंगे। और ये जो इसमें जो फ्री न्यूट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, ये बाकी जो, अब एक ही एटम तो नहीं होगा यूरेनियम का, और भी मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, तो ये इनको हिट करेगा। तो ये न्यूट्रॉन जब दूसरे को हिट करेगा तो उसमें भी यही प्रोसेस होगा, ये वाला दूसरे को हिट करेगा उसमें भी यही प्रोसेस होगा, उसमें फिर से और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो इस तरह से एक प्रोसेस चलती है, एक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। तो इम्पोर्टेंट है दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज चेन रिएक्शन, और इस चेन रिएक्शन से ये जो है ये स्प्रेड हो जाता है, ये न्यूट्रॉन स्प्रेड हो जाते हैं पूरे पूरे जितना भी हमारे पास ये फ्यूल होगा यूरेनियम होगा। तो इस तरह से और भी रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियर फिशन की और एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अगर ऐसे देखेंगे तो ये न्यूट्रॉन अगर यहाँ से तीन निकले, ये और तीन को करेंगे तो वहां से हर एक में से तीन तीन निकलेंगे तो 9 हो जाएंगे। तो एक एक्सपोनेंशियल आप देखोगे कि चेन रिएक्शन होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड्स यूज की जाती हैं जो कि इन एक्सेस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं। मतलब अगर इतनी जल्दी ये जो है एक्सपैंड करेगा, इतनी जल्दी अगर ये रिएक्शन होगी तो उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, अनकंट्रोल्ड वे में वो हो सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल रॉड्स का यूज करते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं एक्सेस न्यूट्रॉन्स को, ताकि हम एक कंट्रोल्ड मैनर में इस रिएक्शन को कर पाए। अब इसको समझते हैं आप, यहाँ पे रिएक्टर जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें यूरेनियम 235 हम यूज करते हैं यूजुअली, या यूरेनियम आप समझो नेचुरल यूरेनियम होता है, उसके एटम्स होते हैं। तो हम न्यूट्रॉन्स को लेते हैं और न्यूट्रॉन्स जो है वो बम्बार्ड कर देते हैं उसके एटम्स पे। जैसे ही न्यूट्रॉन्स इस यूरेनियम के एटम को हिट करता है उसके दो हिस्से हो जाते हैं, ठीक है, दो छोटे छोटे, जैसे हमने देखा बैरियम और क्रिप्टॉन के दो छोटे छोटे एटम्स भी स्प्लिट हो जाता है। तो जब ये दो में स्प्लिट हो जाता है तो वहां से कुछ न्यूट्रॉन्स भी और निकलते हैं जो बाहर निकलते हैं, इसके अलावा वहां से एनर्जी भी निकलती है। ये जो हिट करेंगे ये न्यूट्रॉन्स और उनमें भी ये प्रोसेस होगा। जो एनर्जी यहाँ पे निकली थी इस न्यूक्लियर फिशन से, उस एनर्जी से हम क्या करते हैं कि हम रॉड्स के अंदर पानी भरते हैं, वाटर, और वाटर जो है इस एनर्जी की वजह से गर्म होता है। उस वाटर के गर्म होने की वजह से उस वाटर में स्टीम प्रोड्यूस होता है।
उस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं और उसी टरबाइन के रोटेट होने से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये सिंपल एक यहाँ पे मैं आपको दिखाया कि किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। अब देखते हैं कि इंडिया के अंदर न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी किस तरह से डेवलप हुई। तो अगर इंडिया के एटॉमिक एनर्जी की बात करेंगे तो सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो इंडिया ने 1956 में ऑपरेशनलाइज किया, जिसका नाम था अप्सरा। अप्सरा नाम का एक रिसर्च रिएक्टर, याद रखोगे कि ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, इसमें न्यूक्लियर यही न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती थी, एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, लेकिन ये सिर्फ हम रिसर्च पर्पस के लिए था, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की गई थी, उसको बस रिसर्च के लिए बनाया गया था। और ये कहाँ पे था, इसको अप्सरा जो कि ट्रॉम्बे में आता है, दैट्स महाराष्ट्र मुंबई में ये आता है, और वहां पे अप्सरा नाम का ये पहला एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर था। और याद रखना है कि इट वाज अ रिसर्च बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये कहाँ था, इसको 1956 में ऑपरेशन में लाया गया। इसको बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड किंगडम की कोलैबोरेशन के साथ। न्यूक्लियर फ्यूल जो है यूरेनियम, वो वहीं से आया। इसके बाद दूसरा जो था दैट वाज कॉल्ड एज साइरस। साइरस भी महाराष्ट्र के अंदर ही बनाया गया। साइरस की फुल फॉर्म है कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सिस्टम। इसको कनाडा की कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया एंड इट वाज बिल्ट इन 1960। ये भी सेम वहीं पे बनाया गया था। अब इन दोनों का काम क्या था, ये दो जो थे ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, इनमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, लेकिन ये बस रिसर्च पर्पज के लिए था। याद रखोगे इट वॉज ओनली फॉर द रिसर्च इन न्यूट्रॉन फिजिक्स, न्यूट्रॉन फिजिक्स में रिसर्च के लिए इसको बनाया गया था, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की गई थी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स आए जो कि रिसर्च पर्पज के लिए बनाए गए थे, और उनमें जो आज की डेट में सबसे बड़ा रिएक्टर है रिसर्च रिएक्टर, याद रखोगे द लार्जेस्ट रिसर्च रिएक्टर इन टूडे ध्रुआ, याद रखना है रिसर्च रिएक्टर। मैं एनर्जी रिएक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी रिएक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिसर्च रिएक्टर की बात कर रहा हूँ। तो कुछ और भी हैं लाइक अप्सरा यू है, अप्सरा है, जेलेना है, साइरस, ध्रुवा, पूर्णिमा 1, 2, 3 एंड AHWR, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च रिएक्टर्स हैं जो इंडिया के अंदर जिनको रिसर्च पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि पहला जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट जो बनाया गया था वो कहाँ था, वो था तारापुर के अंदर। तारापुर भी आपका महाराष्ट्र के अंदर ही है, और वहां पे बनाया गया द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इन इंडिया टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी इससे पहले जो दो थे साइरस एंड अप्सरा, वो दोनों जो थे वो सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए थे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पहला जो था वो 1969 में बनाया गया तारापुर के अंदर। ये आज भी इसमें दो तीन प्लांट्स हैं आज की डेट में, दो तीन रिएक्टर्स हैं आज की डेट में, और पहला यहाँ पे दो रिएक्टर्स बनाए गए जिनको तारापुर रिएक्टर्स के नाम से जाना जाता है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है इसको जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ यूएसए कंपनी ने बनाया था। तो अभी तक इंडिया जो था वो बाहर की कंपनी से ही इसको बनाया जाता था। अब यहाँ पे अगर देखोगे आज की डेट में तारापुर जो है, तारापुर इज द लोवेस्ट कॉस्ट नॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट इन द कंट्री। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो वो सबसे चीपेस्ट होती है, लेकिन नॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक में मतलब कोल या बाकी सोर्सेज जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उनमें सबसे कम कॉस्ट पे आपका तारापुर पावर प्लांट जो है वो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो दूसरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया गया जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था वो राजस्थान के अंदर कोटा में बनाया गया, वो 1972 में बनाया गया, जिसका नाम राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन था। इसको कनाडा की कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले दो हमने तो बनाए, इससे पहले दो रिसर्च भी बनाए थे, लेकिन वो दोनों या ये दोनों ये सारे के सारे अभी तक जो थे ये सारे बाहर के जो कंट्रीज के कोलैबोरेशन के साथ बनाए गए थे। और इनमें हैवी वाटर की जरूरत पड़ती है। हैवी वाटर क्या है, आपका नॉर्मल वाटर होता है दैट इज H2O, उसमें हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं उनमें वो प्रोटियम होता है, मतलब उसमें एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। लेकिन हैवी वाटर में ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है, D2O होता है, मतलब उसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो हैवी वाटर डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है दैट इज ड्यूटेरियम, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें उसके हाइड्रोजन एटम्स में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई नहीं होता है। तो इनमें हैवी वाटर यूज होता था जो कि इंडिया में बहुत कम बनता था उस टाइम पे। इसके बाद थर्ड न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनता है कल्पकम चेन्नई में, तमिलनाडु में कल्पकम पावर प्लांट बनता है, और ये पहला इंडिजिनियस पावर प्लांट था। ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था इंडिया के अंदर जिसको इंडिया ने खुद बनाया था। इसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए था, जो भी इक्विपमेंट इसके लिए जरूरत थे, वो सारे के सारे इंडिया में प्रोड्यूस किए गए थे।
इसके लिए जो न्यूक्लियर फ्यूल या जिरकोनियम कंपोनेंट्स या हैवी वाटर जो इसमें जरूरत पड़ती थी वो भी इंडिया में ही बाग में बनाए गए थे। बाग की लेबोरेटरीज हैं, बाग के बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो बॉम्बे के अंदर है, एंड यहाँ पे आपको पता होगा कि दिस इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर इन न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है वो यही बाग, इसका नाम बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये होमी बाबा के नाम पे रखा गया है जो कि फादर है इंडिया न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम के। और ये जो कल्पकम है इसका पूरा नाम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कल्पकम है, इसको 1983 में बनाया गया और उस टाइम पे बहुत कम कंट्रीज थी जो कि खुद अपने पावर प्लांट्स बनाती थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाती थी। तो याद रखोगे द फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया वॉज कल्पकम या मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कल्पकम। इसके बाद जो फोर्थ वाला बना दैट इज नरोरा। नरोरा यूपी के अंदर है, गंगा के रिवर के बैंक्स पर है ये, एंड इसका जो पहला यूनिट था वो 1989 में बनाया गया था अक्टूबर में। इसके बाद फिर नेक्स्ट 20 इयर्स में इंडिया ने 11 220 मेगावाट्स के और 2 520 मेगावाट्स के अपनी टेक्नोलॉजी, इसका नाम था प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड और 13 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए। तो यू कैन सी कि इन द नेक्स्ट 20 इयर्स इंडिया डेवलप्ड 13 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेस्ड ऑन इट्स ओन टेक्नोलॉजी दैट इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो आज की डेट में जितने भी आप न्यूक्लियर रिएक्टर देखते हो तो उनमें एक को छोड़ के सारे इसी टेक्नोलॉजी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक तो न्यूक्लियर फ्यूल की भी जरूरत पड़ती है और हैवी वाटर की भी जरूरत पड़ती है। तो हैवी वाटर उस टाइम पे नहीं बनता था, लेकिन हैवी वाटर को बनाने के लिए भी अलग अलग जगह पे यूनिट्स बनाए गए, लाइक प्लांट कोटा में है, बड़ौदा में एक यूनिट है। तो इस तरह के अलग अलग प्लांट्स बनाए गए जो कि हैवी वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि यूज होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। और यूरेनियम को भी झारखंड की, आपने जादूगोड़ा माइन के बारे में सुना होगा, यूरेनियम को भी वहां से माइन किया गया ताकि फ्यूल प्रोड्यूस फ्यूल सप्लाई हो पाए इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को। तो आज की डेट में अगर देखेंगे तो कोल से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इंडिया में, फॉलोड बाई गैस, फॉलोड बाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉलोड बाई विंड पावर। इसके बाद फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया इज न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर की अगर बात करेंगे तो फिफ्थ नंबर पे आता है आफ्टर कोल, गैस, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एंड विंड पावर। इंडिया जो है ये अभी की डेट में इसमें इंडिया में अभी 22 रिएक्टर यूनिट्स, एक पावर प्लांट होता है फॉर एग्जांपल तारापुर पावर प्लांट है तो वहां पे 3 रिएक्टर यूनिट्स हैं। तो टोटल इंडिया में अभी 22 रिएक्टर यूनिट्स हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि इनमें से एक राजस्थान के अंदर जो बनाया गया था उसमें से एक रिएक्टर जो है वो अभी कुछ इक्विपमेंट डिफिशियंसीज की वजह से आउट ऑफ सर्विस है। और टोटल कैपेसिटी की बात करें तो टोटल कैपेसिटी इज 7380 मेगावाट्स, इतनी पावर जनरेट होती है इन सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स से, इट्स इंक्लूडिंग द राजस्थान। न्यूक्लियर पावर यूनिट की अगर बात करेंगे तो इससे जो पावर प्रोड्यूस होता है उसका एवरेज कॉस्ट अराउंड 2 to 3.5 रुपीज पर किलोवाट आवर होता है। एक तारापुर का जो पावर प्लांट है वो 1 रुपी पर किलोवाट आवर के रेट पे पावर सप्लाई करता है। जैसे कि मैंने बताया इट्स द चीपेस्ट ऑफ ऑल और ये नॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, सबसे चीपेस्ट रेट पे हमें देता है पावर। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पावर स्टेशन है जिनका आपको नाम याद रखना है, ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। इनमें सबसे पहले नरोरा है जो यूपी के अंदर है, राजस्थान के अंदर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, यहाँ पे गुजरात के अंदर वी हैव द काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। याद रखोगे नरोरा यूपी में है, काकरापार गुजरात के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, दिस वाज द फर्स्ट वन। इसके बाद कर्नाटक के अंदर कायगा है, याद रखोगे दैट कायगा इज इन कर्नाटक। तमिलनाडु के अंदर 2 है जिसमें से एक कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है और मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि कल्पकम के अंदर है, ये 2 तमिलनाडु के अंदर है। तो ये अगर आप देखोगे वी हैव टोटल 6, ये 6 है, वी हैव टोटल 7, ये 7 पावर स्टेशन है, लेकिन इनमें हर एक स्टेशन में 2-2, 3-3 आपको रिएक्टर्स दिखेंगे। तो टोटल यहाँ पे ऑपरेशनल है, अभी इसके अलावा भी कुछ बन रहे हैं लेकिन टोटल ऑपरेशनल पावर स्टेशन 7 है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इन 7 में 2-2, 3-3 रिएक्टर्स हैं, तो टोटल रिएक्टर्स टोटल 22। अब न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल की बात करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल मतलब जब न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस किया जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है उसको जिस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है उसको हम न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कहते हैं। तो व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल? न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेप्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम यूरेनियम इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जिस प्रोसेस के थ्रू यूरेनियम को गुजरना पड़ता है उसको न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले माइन किया जाता है यूरेनियम को और लास्ट में
जो न्यूक्लियर वेस्ट बचता है उसको डिस्पोज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला काम जो होता है दैट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। यूरेनियम को पहले एक्सप्लोर करना पड़ता है, पहले ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे होगा, लाइक यहाँ पे जमीन के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, तो इसको पहले एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो ये काम जो है ये एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर हैदराबाद करता है, उसका काम होता है ढूंढना, एक्सप्लोर करना कि कहाँ पे यूरेनियम मिल सकता है। उसके बाद जब कहीं पे मिला कि यहाँ पे हाँ यहाँ पे यूरेनियम है, तो उसको माइन और मिल करना पड़ता है। तो वहां पे माइनिंग का काम जो होता है वो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा जो झारखंड के अंदर है, ये इंस्टीट्यूट ये वाला काम करता है। तो माइनिंग का काम यूसीआईएन जादूगोड़ा करता है। तो माइन पहले तो एक्सप्लोर, पहले ढूंढना, माइन माइन मतलब उसको फिर जमीन से बाहर निकलना, उसके बाद फिर एनरिचमेंट का काम होता है। जो नेचुरल यूरेनियम निकाला जाता है उस यूरेनियम में सबसे ज्यादा जो चीज होती है, सबसे ज्यादा जो होता है वो यूरेनियम 238 होता है। अराउंड 99% जो उसमें होता है वो यूरेनियम 238 होता है। 97 to 99% उसमें यूरेनियम 238 होता है। लेकिन यूरेनियम 238 जो होता है ये नॉन फिसाइल होता है। नॉन फिसाइल मतलब इसमें फ्यूजन, इसमें फिशन रिएक्शन नहीं होती है। इसमें ये काम की चीज जो होती है वो होती है यूरेनियम 235, और ये नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ 1 to 3% ही होता है। तो इस वजह से जब नेचुरल यूरेनियम निकाला जाता है तो उसको एनरिचमेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब यूरेनियम 238 जो उसमें होता है उस आइसोटोप को यूरेनियम 235 में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये काम भी यूसीआईएल जादूगोड़ा ही करता है। जब ये एनरिचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद फैब्रिकेशन का काम होता है, मतलब इसकी रॉड्स बनाई जाती हैं, जो यूरेनियम फ्यूल है उसकी रॉड्स बनाई जाती हैं, और ये काम करता है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में ही किया जाता है। जब इसकी रॉड्स बनाई जाती हैं उन रॉड्स को फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में लिया जाता है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर होता है, और वहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में इससे फिर न्यूक्लियर एनर्जी या पावर जनरेट होता है। जब इससे न्यूक्लियर एनर्जी या पावर जनरेट होता है तो ओवर द ईयर्स फिर इस फ्यूल को क्या, इसको रीप्रोसेस किया जाता है। तो इसमें कुछ फ्यूल होता है जो स्पेंट फ्यूल होता है और कुछ अनस्पेंट फ्यूल होता है। तो इस स्पेंट फ्यूल को किया, जो अनस्पेंट फ्यूल होता है, जो स्पेंट फ्यूल होता है कुछ ऐसा फ्यूल होता है जिससे और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है, वो खतरनाक होता है, इस वजह से उसको डिस्पोज करना पड़ता है, उसको जमीन के अंदर बहुत नीचे इसको डिस्पोज करना पड़ता है। तो उसको न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी फ्यूल होता है जिसको फिर से हम एनरिचमेंट करके फिर से यूज कर सकते हैं। इस तरह से एक फ्यूल साइकिल बनती है, इसको हम न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कहते हैं। इसके थ्रू यूरेनियम या दूसरे जो भी न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं उनको गुजरना पड़ता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम आते हैं न्यूक्लियर, इंडिया न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर, कि इंडिया ने, इंडिया किस तरह से न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम के। तो इंडिया ने एक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था, याद रखोगे दैट इंडिया डेवलप्ड, इंडिया फॉर्मुलेटेड 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जिसको होमी भाभा ने 1956 में बनाया था। तो ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्या है? 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बेसिकली ये है कि होमी भाभा ने ये प्रोग्राम जब फॉर्मुलेट किया तो उन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो 3 स्टेज में न्यूक्लियर पावर को बनाएगा या न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस करेगा। अभी जो इंडिया है वो अभी हम ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेज में ही है, सेकेंड स्टेज में एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट कुछ ईयर्स तक हम सेकेंड स्टेज में रहेंगे एंड देन मे बी आफ्टर 2050, 2050 के बाद हम थर्ड स्टेज में एंटर करेंगे। तो ये एक बहुत लंबा प्रोग्राम है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक ये एक्सटेंड करेगा और 3 स्टेज के अंदर ये प्रोग्राम चलेगा। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि इसको एक स्टेज में क्यों नहीं किया गया, मकसद ये है कि इंडिया के अंदर थोरियम पाया जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो केरला के अंदर, केरला के बीच पे मोनाजाइट सैंड मिलती है और उस मोनाजाइट सैंड में थोरियम होता है। थोरियम जो होता है, थोरियम से हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो इंडिया में यूरेनियम से पावर प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन यूरेनियम जो है, यूरेनियम इंडिया के अंदर, यूरेनियम के रिजर्व्स नहीं है। तो थोरियम बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर लेकिन उससे हम डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यूरेनियम कम है उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मकसद है इस प्रोग्राम का, जो मकसद है वो यही है कि हम इंडिया के जो थोरियम रिजर्व है उनको यूज कर पानी चाहिए, उनको फुली यूटिलाइज कर पानी चाहिए टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। तो उन थोरियम रिजर्व को यूज करने के लिए, उनको यूटिलाइजेशन के काबिल बनाने के लिए हमें ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाना पड़ा। तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया में यूरेनियम के सिर्फ 1 to 2% ग्लोबल रिजर्व हैं, और लेकिन थोरियम रिजर्व की अगर बात करें तो वर्ल्ड का 25% थोरियम जो है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है। तो मकसद यही है कि धीरे धीरे हमें शिफ्ट करना है टू थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। डायरेक्टली उस टाइम पे या आज की डेट में भी हम डायरेक्टली थोरियम को यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें
एक थ्री स्टेज प्रोग्राम बनाना पड़ा ये आपको आगे समझ आएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि थोरियम जो है ये डिफिकल्ट है यूरेनियम के कंपैरिजन में, क्योंकि थोरियम को यूज करने के लिए ब्रीडिंग की जरूरत पड़ती है, एक प्रोसेस है जिसे ब्रीडिंग कहते हैं जो हम आगे देखेंगे। एंड ग्लोरियम, और अगर हम ब्रीडिंग डायरेक्टली करने लगे तो जो पावर हम प्रोड्यूस करेंगे उसका जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से हमें इसको थ्री स्टेज में करना पड़ा। तो ऐसा बताया जाता है कि इंडिया अपने थोरियम रिजर्व से 500 गीगावाट तक की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है जो कि अगले 400 सालों तक चल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे आ रहा है। अब इसके पीछे क्या रैशनल था, इसके पीछे क्या लॉजिक था, इस थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के पीछे क्या रैशनल था, इसको समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि थोरियम जो है इन इटसेल्फ इट्स अ नॉन फिसाइल मटीरियल, थोरियम की फिशन नहीं होती है, थोरियम से हम एनर्जी डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसको जरूरत पड़ती है यूरेनियम 233 की, इसको जरूरत पड़ती है यूरेनियम 233 या इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू यूरेनियम 233 जो कि एक फिसाइल मटेरियल है, ठीक है। अब पहले दो स्टेज जो होंगे इसमें उसमें क्या होगा, पहले स्टेज में एक यूरेनियम बेस्ड फ्यूल हैवी वाटर रिएक्टर होगा, पहले स्टेज में एक हैवी वाटर रिएक्टर होगा जिसमें यूरेनियम यूज होगा, ठीक है। और दूसरे स्टेज में प्लूटोनियम बेस्ड फास्ट ब्रीडर होगे, तो पहले वाले में यूरेनियम यूज होगा उससे प्लूटोनियम प्रोड्यूस होगा, प्लूटोनियम फिर दूसरे वाले में यूज होगा और फिर तीसरे वाले में, और फिर दूसरे वाले से यूरेनियम 233 प्रोड्यूस होगा और वो फिर तीसरे वाले में यूज होगा। ये क्या होता है इसको हम समझेंगे आगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये पूरा मैं समझा दूंगा। इसको अगर आप समझोगे तो फर्स्ट स्टेज है उसको कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। अभी की डेट में, आज की डेट में जितने भी आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो यही स्टेज वन के हैं, वो यही प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स ही हैं। उनमें क्या होता है कि यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 यूज होता है। जो नेचुरल यूरेनियम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 होता है और यूरेनियम 238 होता है, लेकिन इसमें यूरेनियम 238 जो होता है ये नॉन फिसाइल होता है और यूरेनियम 235 जो होता है ये फिसाइल होता है। तो पहले स्टेज के आज की डेट में जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनमें नेचुरल यूरेनियम यूज होता है और नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 होता है। और जब ये न्यूक्लियर फिशन उनमें होता है तो उससे क्या होता है कि न्यूक्लियर फिशन की वजह से वहां पे प्लूटोनियम प्रोड्यूस होता है, एक तो एनर्जी भी निकलती है और साथ में प्लूटोनियम भी निकलता है। और इसमें मॉडरेटर और कूलेंट जो यूज होता है वो दोनों हैवी वाटर होते हैं, दैट्स ट्रिटियम ऑक्साइड। इसके बाद जो आगे जो आएंगे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स उनको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स कहते हैं। उन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में क्या होता है कि यहाँ से जो यूरेनियम, यहाँ से जो प्लूटोनियम निकला, दैट्स Pu239, प्लूटोनियम का सिंबल है Pu, प्लूटोनियम 239 जो यहाँ से निकला फर्स्ट स्टेज से, क्योंकि अभी जनरेट हो रहा है प्लूटोनियम, जनरेट हो रहा है बहुत सारा, वो फिर हम दूसरे वाले में यूज करेंगे और साथ में यूरेनियम 238 भी इसमें यूज होगा। तो दूसरे वाले में जो फ्यूल होगा, दूसरे वाले आने वाले जो रिएक्टर्स होंगे उनमें यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 यूज होंगे। इसमें क्या होगा कि यूरेनियम 238 से और प्लूटोनियम बनाएंगे और थोरियम जो होगा, थोरियम थोड़ा थोड़ा, उससे हम यूरेनियम 233 बनाएंगे। और इसमें कूलेंट जो है वो लिक्विड सोडियम यूज होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पहले वाले में हम नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं जिसमें यूरेनियम 235 और 238 होते हैं, उससे हमें प्लूटोनियम मिलेगा, प्लूटोनियम को हम सेकंड वाले में यूज करेंगे और सेकंड वाले में हम यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम और जनरेट करेंगे और साथ में थोरियम भी यूज करेंगे जिससे हम यूरेनियम 233 जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो यहाँ से और प्लूटोनियम 239 मिलेगा हमें, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो हमें यहाँ पे यूरेनियम 233 मिलेगा। तो ये जो यूरेनियम 233 है इसको हम यूज करेंगे आगे थर्ड स्टेज के होंगे, जिनको हम कहते हैं एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर्स, 2050 के बाद जो आएंगे। उनमें क्या होगा कि उनमें थोरियम 232 और यहाँ से जो प्लूटोनियम आएगा उसका मिक्सचर, और थोरियम 232 अलॉन्ग विद यहाँ से जो यूरेनियम आएगा 233, उसके मिक्सचर को यूज करेंगे टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें भी मॉडरेटर हैवी वाटर यूज होता है लेकिन कूलेंट के तौर पर नॉर्मल वाटर यूज होता है। अब इसके पीछे का रैशनल समझो आप, थोरियम को यूज करने के लिए, थोरियम से एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है यूरेनियम 233 की, लेकिन ये यूरेनियम 233 ये नेचुरली ऑकरिंग नहीं होता है। याद रखोगे दैट यूरेनियम 233 इज नॉट ए नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप, ये आर्टिफिशियल होता है, इसको बनाना पड़ता है। इसको बनाने के लिए हमें सेकेंड स्टेज में जो है, इसको बनाने के लिए सेकेंड स्टेज में हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का यूज करेंगे, लेकिन सेकेंड स्टेज में
अगर हमें यूरेनियम 233 बनाना है उसके लिए हमें प्लूटोनियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्लूटोनियम जो है वो हमें मिलेगा कहाँ से, आज की डेट में जो चलते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर से। तो ये इस तरह से आपको ये समझ आएगा कि अगर हमें थोरियम यूज करना है तो हमें यूरेनियम 233 की जरूरत पड़ती है, लेकिन यूरेनियम 233 जो है वो हमें मिलता है, वो नेचुरली अकरिंग नहीं है, उसको हमें जनरेट करना पड़ता है, जो हम जनरेट करेंगे इन द सेकेंड सेकेंड स्टेज फास्ट रिएक्टर्स। और उसको 233 को जनरेट करने के लिए हमें प्लूटोनियम 239 की जरूरत पड़ेगी, और वो यूरेनियम टू थ्री और वो प्लूटोनियम 239 जो है वो आज के न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब आप बोलोगे हम डायरेक्टली क्यों नहीं करते ये सब थर्ड या फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थर्ड वाले में जितना भी हमें प्लूटोनियम या यूरेनियम 233 जरूरत पड़ेगी, अगर हमें तो इसमें तो बहुत सारा हमें जरूरत पड़ेगा यूरेनियम 233, तो हमें पहले उतना सारा यूरेनियम 233 बनाना पड़ेगा। तो उतना सारा यूरेनियम 233 को जनरेट करने के लिए हमें पता नहीं 10 या 20 या 40 50 साल तक हमें ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो के स्टेज को ये चलाते रहेंगे, ताकि इतना सारा हमारे पास यूरेनियम 233 आ जाए जो कि इनफ हो हमारे लिए कि हम सारा अपना थोरियम फिर यूज कर पाए। और इस तरह से यूरेनियम 233 को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जितने प्लूटोनियम की जरूरत पड़ती है वो पड़ेगी, वो पिछले 60 साल से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पिछले 60 साल से या 70 साल से जितना हम या 80 साल से प्लूटोनियम बना रहे हैं, उस जितना भी वो प्रोड्यूस हो रहा है उसका मकसद यही है, उसको स्टोर किया जाता है, उसका मकसद यही है कि आगे जो हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्टेज टू के जाएंगे उनमें हम उस प्लूटोनियम को यूज कर पाएंगे। आपको ये चीज समझ आ रही है, तो याद रखोगे फर्स्ट वाले में नेचुरल यूरेनियम यूज होता है जिसमें यूरेनियम 235 और 238 होता है, उससे हमें यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 निकलता है। प्लूटोनियम जो दूसरे स्टेज में हम यूरेनियम 239 से और प्लूटोनियम जनरेट करते हैं, और थोरियम 238 से हमें यूरेनियम 233 निकलता है। यूरेनियम 233 जो यहाँ से निकलता है और यहाँ से जो प्लूटोनियम निकलता है उसको हम थोरियम के साथ मिक्स करके हम फिर थोरियम को यूजेबल बना सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। इस स्लाइड को आप फिर से देख सकते हो, इसको आप रिवाइड करके भी देख सकते हो अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रही। सो दिस इज इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। तो यही इसका क्रक्स है, यही इसका मैंने आपको समराइज करने की कोशिश की है। आई होप आई वॉज एबल टू डू जस्टिस विद इट। थोड़ा सा ये डिफरेंट टॉपिक था एंड थोड़ा सा मे बी डिफिकल्ट भी लगेगा आपको, बट अगर आपको समझ नहीं आया आप स्लाइड्स को देखेंगे जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, एंड अगर आप चाहो तो इसको फिर से भी देख सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप केएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मे बी केएस में आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एसएसबी के पर्सपेक्टिव से यू कैन एक्सपेक्ट एक इजी सा क्वेश्चन आएगा। मे बी दे लास्ट के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कौन से स्टेज में यूज होता है, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर कौन से स्टेज में यूज होता है, या जो थोरियम बेस्ड रिएक्टर होंगे वो किस में यूज होंगे, या मे बी दे लास्ट के जो स्टेज वन है उसमें कूलेंट या मॉडरेटर कौन यूज होता है। तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो वो पूछ सकते हैं, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो ये है कि आपको याद रखना है कि डिफरेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे मैंने बताया तारापुर कहाँ पर है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुंदकुलम वो कहाँ पर है, तो इस तरह के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में आपको बताया, न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन भी या नरोरा के बारे में बताया जो यूपी के अंदर है, तो उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक फैक्चुअल चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो मैंने इन स्टेज को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन स्टेज को आप देख सकते हो, यू कैन रीड देम फ्रॉम द स्लाइड्स, यू कैन रीड देम फ्रॉम द स्लाइड्स। एंड यहाँ पे बताया जाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जितनी प्रोड्यूस होगी 2050 तक हम 275 गीगावाट तक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और यूपीएससी मेंस में ये पूछा गया था 2018 में क्वेश्चन, गिवन अकाउंट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन इंडिया। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो स्टेज टू में यूज होगा उसका क्या एडवांटेज होता है। इसका एडवांटेज यही होता है कि इससे हम यूरेनियम 233 प्रोड्यूस करते हैं, और वो यूरेनियम 233 जो है वो हम यूज कर सकते हैं बाद में थोरियम बेस्ड जो थर्ड स्टेज में होंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज कर सकते हैं। So that's it for this video. I hope you liked it. If you liked it, then hit that like button and subscribe to the channel if you haven't done yet. See you in the next one. Till then, bye bye.